अल्लाह लेकुम दोस्तों मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जी वी एफ डी जी हाँ दोस्तों ये आ चुकी है जी हमारे पास सोगो कंपनी की ऑफ ग्रेड वी एफ डी इन्वर्टर तो आज हम इसको करने वाले हैं जी चेक इसको बताऊँगा इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और वी एफ डी क्या है कितने जो है हॉर्स पावर की मोटर आप इसके साथ लगा सकते हैं और कितने वाट की ये वी एफ डी है उसके बाद क्या ये सिंगल फेज थ्री फेज़ पे यूज़ हो सकती है ये नहीं आज सब इन बातों का मैं आपको जो है जवाब दूंगा उसके बाद आपके जहन में कोई भी सवाल हो वी के डी तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उम्मीद है कि आज की वीडियो इस वी के ऊपर आपको पसंद आएगी और ये सोगो कंपनी की ओरिजिनल वी है बॉक्स पैक ज़ीरो मीटर कोई यूज़ या खुली हुई जो है वी नहीं है आप तो दोस्तों आज हम इसको जो है अनबॉक्स करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कितने कमाल की जो है दोस्तों ये प्रोडक्ट है तो आज की उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी अगर आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना और उसके बाद आप टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते शुरू करते हैं अपनी वीडियो तो लीजिए दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये आ चुकी है जी हमारी बहुत ही कमाल की वी एफ डी जो कि है दोस्तों सोगो कंपनी की आप इसकी फर्स्ट लुक दे सकते हैं बहुत कमाल की ये वी एफ टी है इसको सबसे पहले मैं बता दूं कि वी एफ डी असल में होती क्या है दोस्तों वी एफ डी से मुराद ये है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मतलब कि आप फ्रीक्वेंसी को जो है कम ज़्यादा करके वेरिएबल करके अपनी मोटर को जो है ड्राइव करवा सकते हैं क्योंकि आपको पता है जो बड़ी मोटर होती है थ्री फेज़ की उनको ड्राइव करवाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा करंट की जरूरत होती है तो पहले जो मोटर की स्पीड कंट्रोल की जाती थी वो वोल्ट एम्पेयर की कम कम को कम या ज़्यादा करके उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता था लेकिन अब आपको पता टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से अब जो है एक ऐसा इन्वर्टर रेडी किया दोस्तों सोगो कंपनी ने जिसके ज़रिए आप जो है फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हुए अपनी मोटर की स्पीड को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है जो थ्री फेज की मोटर होती हैं या जो भी आपके पास इंडक्शन मोटर है दोस्तों आप उसके जो है एम्पेयर आपको पता स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है चाहे आपके घर का वो लाल पंप है चाहे थ्री फेज मोटर है चाहे चक्की वाली मोटर है चाहे ट्यूबवेल वाली मोटर है उसको स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होने की वजह से उसको आप किसी भी और इन्वर्टर के ऊपर नहीं चला सकते जो हमारे घरों में होते हैं जैसे कि हमारे पास इनवीरक्स के आजकल इन्वर्टर आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी हम उनको नहीं चला सके सकते क्योंकि उनका जो है स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है या तो आपको ज़्यादा वाट का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा या फिर जो है आपको स्टार्टिंग करंट जो है उसको ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए कम बजट में कम पैसों में किस तरह मोटर को ड्राइव किया जाए तो उसके लिए सोगो कंपनी ने आप दे सकते हैं एक जो है वी इंट्रोड्यूस कर है जो कि है दोस्तों सौ पंद्रह किलो वाट की तो आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग इसको करेंगे चेक तो सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ फिर इसकी और डिटेल आपके सामने शेयर करता हूँ तो साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा आप देख सकते हैं ये है जी इसका बॉक्स बहुत ही कमाल का तो अब मैं अपनी VFD को दोस्तों बाहर निकाल लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह की है ये सोगो कंपनी की आपको बहुत और कर, जो है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की भी मिल जाएंगी वी जो कि मुख्तलिफ जो है दोस्तों वाटेज में मिलती हैं लेकिन सोगो जो कंपनी है वो ब्रांड न्यू बनाती है आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू जो है ये हमारी वी एफ डी है आज हम जिसको अनबॉक्स करने वाले हैं तो मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर तो लीजिए जी ये आ चुकी है जी हमारी वी एफ डी बाहिर और आप देख सकते हैं कितनी कमाल की दोस्तों वी एफ डी है और बिल्कुल ज़ीरो मीटर अनटच दोस्तों है अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है वहाँ से रबता करके भी मिल जाएगी उसके बाद हमारे वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है माज एलेक्ट्रॉनिक्स डॉट पी के वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हैं और इसकी जो कीमत भी काफ़ी मुनासिब है इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है क्योंकि सोगो कंपनी के ओरिजिनल आपको अक्सर जो है यूज़ में मिल जाएंगी ब्रांडेड में मिल जाती है लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कोई पता नहीं कब ख़राब हो जाए क्योंकि वो यूज़ है तो जीरो मीटर ज़ीरो मीटर ही होती है तो आप देख सकते हैं ये आ चुकी है जी हमारी वी एफ डी सोगो कंपनी की तो वी एफ डी दोस्तों ये जो है इसको इन्वर्टर कहते हैं असल में वर्चुअल फ्रिक्वेंसी ड्राइव इन्वर्टर ये ज़्यादातर आप थ्री फेज मोटरों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर होता ही थ्री फेज मोटरों में इस्तेमाल है सिंगल फेज में तो कोई भी नहीं करता क्योंकि थ्री फेज़ में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि आटा चक्की होगी उसकी मोटर होगी या फिर आपकी ट्यूब की मोटर होगी या आपके डंग की पम्प की मोटर होगी या आपके जो है दोस्तों आपको जो है और मोटरें होगी जिस तरह के कोई मशीनरी होगी उसकी मोटर है उसको ड्राइव करवाना है तो उस जगह पर ये यूज़ हो सकती है या जो है आपको पता है पट्ठे काटने वाली जो मशीन होती है उस जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं या उसकी मोटर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं तो ये सोगो ब्रांड के दोस्तों ओरिजिनल वी एफ डी है मैं इसको करता हूँ जी ओपन तो ये लीजिए दोस्तों ये आ चुकी है जी हमारी वी एफ डी बड़ी ही बेहतरीन कलर की बड़ा बेहतरीन दोस्तों इसका डिज़ाइन है सोगो कंपनी के ऊपर टॉप पर आप देख सकते हैं ब्रांडिंग हुई हुई है तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डिस्प्ले का दोस्तों एक स्क्रीन मिल जाएगी जिसके ऊपर आप इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी सेट करेंगे वोल्टेज वगैरह हम पे सब चीज़ें इस पर दिखेंगी उसके ऊपर चार एल ई डीज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं एक रन की है एक फॉरवर्ड रिवर्स की एल ई डी है एक लोकल और रिमोट के एलईडी है उसके बाद एक ट्रिप की या कोई मसला आ जाता है एर आया था उसके एल है उसके बाद जिंदा दर जो है पहले जो है छः बटन टॉप पर दिए गए हैं दो बटन डाउन पर दिए गए हैं टॉप पर दोस्तों सबसे पहले स्केप का बटन है अप करने का बटन है डाटा एंट्री का बटन है उसके बाद कोई किया जॉक का बटन है उसके बाद डाउन का बटन है उसके बाद शिफ्ट करने का बटन है उसके बाद सबसे एंड पे जो दो बटन है उसके अंदर आप इसको रन और स्टॉप कर सकते हैं यानी कि मोटर को चला भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं उसके लिए दो अलग अलग बटन है जो ग्रीन है उसके ज़रिए आप इसको रन करेंगे मोटर को कोई भी अपनी थ्री फेज़ की जो भी मोटर अटैच करेंगे उसको रन करेंगे और आपने बंद करनी है तो ये वाला बटन प्रेस करके इसको बंद कर देंगे तो बहुत ही कमाल के दोस्तों VFD है इतना ज्यादा वजीनी भी नहीं है बैक साइड पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम की प्लेट है और फ्रंट पे टॉप पे देख सकते हैं बिल्कुल प्लास्टिक बॉडी में है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कनेक्शन देने के लिए आपको यहाँ पर कुछ सुराख मिल जाएंगे यहाँ पर आप सोलर की वायर अपनी थ्री फेज़ वायर और उसके बाद फेज इनपुट वायर भी दे सकते हैं इनपुट आउटपुट दोनों ले सकते हैं और बहुत से लोग जो है सोलर के साथ वापडा यूज़ करते हैं थ्री फेज़ लेकिन बहुत से लोग जो है बगैर सोलर के साथ बगैर वापडा भी यूज़ करते हैं और इसके अंदर जो कंपनी रखा गया है वो है जी बुलेट एंड एम कंट्रोलर है सोलर का जो कि इसके अंदर एम कंपनी की तरफ

यानी कि मैक्सिमम आप दे सकते हैं इसके ऊपर जो है दोस्तों आप बीस हॉर्स पावर तक की मोटर आराम से चला सकते हैं तो मैक्सिमम जो है बीस हॉर्स पावर तक की मोटर का ये लोड उठा सकता है यानी कि आप इसके ऊपर एक हाउस पावर दो हाउस पावर पाँच हाउस पावर दस हाउस पावर सात हाउस पावर पंद्रह हाउस पावर अठारह हाउस पावर बीस हाउस पावर तक की मोटर थ्री फेज वाली इसके ऊपर चला सकते हैं ये ये जो स्पेशल वी एफ डी है इसके यही खासियत है कि ये एक तो औरिजिनल है सोगो कंपनी की और ब्रांड न्यू आप अपने हाथ से ख़ुद इसके अनबॉक्सिंग करते हैं उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है वो भी मैं आपको बताया हूँ सोगो कंपनी की तरफ से तो स्पेसिफिकेशन में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आपको मॉडल नंबर मिल जाएगा ऑफ ग्रेड है ये पांच किलो की उसके बाद जो है इसकी पावर है दोस्तों पंद्रह किलो से अठारह इशारिया पांच किलो इसकी पावर है यानी कि बीस हाउस पावर की मोटर बेहतरीन चल जाएगी इनपुट वोल्टेज जो है ए सी थ्री फे तीन वोल्ट है और पैंतीस एम्पेयर से अठतीस एम्पेयर तक है उसके बाद जो आउटपुट है वो इसकी ए सी थ्री फेज तीन जीरो वोल्ट से लेकर तीन सौ अस्सी वोल्ट तक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बत्तीस से सैंतीस अंपेयर तक है ऑफ ग्रेड है सीरियल नंबर लिखा हुआ कंपनी का सो गो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए वी एफ डी है तो एक दफ़ा इसका टॉप कवर भी उतार के दिखाता हूँ और आपको तो इसकी वायरिंग भी समझा देता हूँ आखिर इसकी वायरिंग किस तरह की जाती है तो लीजिए जी हमने कर लिया इसको ओपन इसका कवर को ओपन कर लिया उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टर्मिनल्स वगैरह दिख जाएंगे कि आखिर ये क्या क्या टर्मिनल है सब जो सबसे आसान टर्मिनल है दोस्तों वो मैं आपको समझा देता हूँ तो यहाँ पर आप टर्मिनल पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको अर्थिंग का निशान मिल जाता है अर्थिंग के निशान के ऊपर आप सबसे पहले अपने जो है डीसी की जो है अर्थिंग करनी है उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक पॉजिटिव का निशान मिल जाता है एक नेगेटिव का इसके जगह पर आपने जो है सोलर पैनल की वायर जो है अटैच करनी है अपने डी सोलर पैनल की वायर अटैच करके आपने जो है अपनी वी को जो है ऑन करना है उसके बाद यहाँ पर आ एस टी के ऑप्शन मिल रही है और पावर का जो है इंडिकेशन हुई है कि यहां पर जो है आपने ए सी लगानी है थ्री फेज जो कि आपकी वायर जाएंगी जो कि तीनों की तीन वायर जो है आपकी आर एस टी में लग जाएंगी ये आपकी इनपुट हो चुकी है इसी उसके बाद आउटपुट जो है वो आप लेंगे यू वी डब्ल्यू से जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है दोस्तों मोटर का साइन बना हुआ है यानी कि यहां पर आप अपने मोटर्स की वायर लगाएंगे अब अब ये एक मसला अक्सर अवकात यह आता है कि बहुत से लोग जो है मोटर की वायर लगाते हैं और जब वो चलाते हैं तो मोटर जो है उल्ट चल रही होती है तो इसका जो मसला ये होता है कि वो वायरिंग या तो उल्ट हुई हुई होती है या वायरिंग जो है उल्ट तारे लगी होती हैं या फिर आप जो है इसको सेट करने के लिए आप इसकी प्रोग्रामिंग से इसको एडजस्ट कर लें कि इसकी प्रोग्रामिंग से सेटिंग करके आप जो रिवर्स है उसको फारवर्ड कर सकते हैं या फिर आप इसमें से जो है दरमियान वाली तार को छोड़ के मोटर की राइट और लेफ्ट वाली तार को आपस में चेंज कर देंगे तो आपकी मोटर जो है जो है सही रुख चलना स्टार्ट हो जाएगी और अगर जो है जब आप अवाबडा लगाते हैं तब उल्ट चलने गए थे तो वापडा की कोई सी भी जो है राइट लेफ्ट वाली तारें दरमियान वाली को छोड़ते हुए वो आप आपस में चेंज करें तो आपकी मोटर बेहतरीन जो है सही रुख पे चलना स्टार्ट हो जाएगी तो ये है जी ज़्यादातर जो है वी के फंक्शन जिसके ज़रिए जो है आप अपनी जो है कितने भी थ्री हाउस पावर की जो है थ्री जो है फेज़ की जो है मोटर्स आप इसके ऊपर चला सकते हैं चाहे वो दोस्तों ट्यूबवेल की मोटर हो चाहे वो जो है आटा चक्के की मोटर हो चाहे वो पट्टे काटने वाली मशीन की हो या आपकी कोई ऐसी मशीन है साबुन बनाने वाली मशीन है या कोई और ऐसी मशीन है जिसके अंदर थ्री फेज मोटर यूज़ हो रही है वो आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं और सेलर सोलर पैनल्स के ज़रिए आप इसके ऊपर चला सकते हैं और उसके बाद ये जो वी है आपकी मोटर को जो है सॉफ्ट स्टार्ट के जरिए ही चलाएगी आपको जो है आिस्तिता स्पीड जो है मिलेगी कम से कम 5 6 मिनट लेती है फुल स्पीड हो जाती है आपकी मोटर की जब आप ऑफ करते हैं तो बिल्कुल जो है 5 6 मिनट लेगी पूरी जो है मोटर ऑफ हो जाएगी और उसके बाद दोस्तों यहां पर टॉप पर आप इसके दे सकते हैं यहां पर आपको जो है दो फैन मिल जाते हैं जिसके जरिए आपकी जो है ओवर ओवरहीट नहीं होती यह बिल्कुल ठंडी रहती है और आपकी जो है वीएफडी को ठंडी हवा मिलती रहती है तो अब ये काम कर दो दोस्तों एक दफ़ा आपको वी को ओपन करके भी दिखाया दूँ कि आखिर इस वी के अंदर जो है किस तरह का सर्किट लगे होते हैं इसके अंदर तो ज़्यादातर जो है दोस्तों यूज़ किए जाते हैं वो आई यूज़ किए जाते हैं जो कि आई जो है एक ट्रांसिस्टर के दोस्तों टाइप है तो लीजिए जी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आखिर अंदर दिखने में ये कैसी है और इसके अंदर क्या क्या जो है सर्किट अटैच हैं तो यहाँ पर दो वायर्स हैं सबसे पहले इनको निकाल लेते हैं ये एक जो है कनेक्टर है तो लीजिए जी मैंने इसको आपको ओपन करके अब दिखा रहा हूँ तो ओपन करते ही देख करते ही आप इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा जो है सर्कट लगाए गए हैं उसके बाद बैक साइड पे यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिस्प्ले वाला टोटल मॉड्यूल है जिसके ज़रिए जो है ये सारी सेटिंग इसकी हो रही होती है ये आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की दोस्तों वी बनाई है सोगो कंपनी ने और उसके बाद यहाँ पर आप सर्कट देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे सर्कट हैं काफ़ी बड़ी बड़ी वायर हैं टर्मिनल देख सकते हैं कितने ज़्यादा बड़े हैवी टर्मिनल इसके अंदर लगाए गए हैं और उसके बाद इसके अंदर जो है आठ सौ बीस के चार वोल्ट में जो है दस कपेस्टर अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के वो कपेस्टर्स हैं तो लीजिए जी अभी जो है मैंने इसका बड़ा सर्कट जो है ओपन कर लिया आप देख सकते हैं ये सर्कट इस तरह का है दिखने में उसके बाद इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो है दोस्तों सिलिकॉन जो है आई लगा हुआ है ये फुल जो है एक बड़ा आई जी इसके ऊपर जो है लगाया गया है कंपनी की तरफ से और उसके बाद में अब आपको इसके कपैसटर्स भी दिखाया तो आखिर किस तरह के इसके कपैसटर्स हैं तो लीजिए जी, जी, जी दोस्तों ये है जी इसके कपैसटर जो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं हाई क्वालिटी के तो ये बुक कैपेसिटर हैं, टोटल दस हैं, चार इधर लगे हैं छः इधर लगे हुए हैं और ये चार सौ 200, दो सौ दो सौ आठ सौ बीस यू एफ चार सौ में ये कैपेसिटर आप दे सकते हैं ओरिजिनल कैपेसिटर इसके अंदर लगाए गए हैं तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो इस वी एफ डी के ऊपर आपको पसंद आई होगी अगर आप अपनी ट्यूवेल की मोटर को आटा चेक की मोटर को या अपनी कोई भी थ्री फीस मोटर को सोलर में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है डिस्क्रिप्शन में मैंने इस लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का माज इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट पी के वहाँ से चाहे इसको बाई कर सकते हैं व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है जीरो तीन सौ तेरह सेवन नाइन टेन वन टू वन तो उससे भी रब्ता कर सकते हैं और इस वी एफ डी को जो है खरीद सकते हैं और फ्री डिलीवरी जो है पूरे पाकिस्तान में आपको मिल जाएगी तो उम्मीद है दोस्तों इस तरह अच्छी अच्छी आता रहूँगा और आप सब लोग इस तरह करते रहेंगे तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़